आसानी होगी, इतने फ्रेश फ्रेश कलर, आंखों को सुकून मिल गया देखकर। खैर अच्छा मैं तो ये जो आई थी है एक देख लें, साल नीचे गिर गया, पहले। फर्श भी इतना खराब हुआ था कि भी दांत में दर्द होता है, ये ठंडा गरम महसूस होता है ना, तो फिर आप ना अपने आउट हो गया। खैर अब जो है मैंने चावल भी धो दिए हैं, फ्रूट कटना रह गया, और फ्रूट ये वाला जो सारा सामान था मुझे का साथ साथ पकोड़े, देखना मेरे पकोड़े ना जल जाए। वो डाला है अंदर प्याज श्याज, और इसको बंद करके अभी मैं इसको लगा दूंगी। वेलकम बैक टू माई सुंदर सा व्लॉग एंड अस्सलाम वालेकुम, एक और न्यू डेली रूटीन व्लॉग में वेलकम। चैनल पर आप में से जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने का इसलिए बोलती हूँ ताकि जो व्लॉग्स हैं ना वो डेली आते रहें, तो आपको पता लगता रहे, देखते रहो। अच्छा अफ्तारी के वक्त से आज मैंने डायरेक्ट स्टार्ट किया है व्लॉग। आज जो है मम्मा पापा ग्रॉसरी करने भी गए थे यार, मैंने कहा था कि मैं साथ जाऊंगी, मगर सीन असल में ये हुआ कि इफ्तारी के बाद मेरी मम्मा की हिम्मत नहीं होती कहीं भी बाहर निकलने की, बस चाहे रोज़ा हो वो जो दोपहर दोपहर में काम होते हैं ना वो प्रेफर करती हैं कि उसी में करके निपटा दें। सो मैं दोपहर में होती हूँ हॉस्पिटल, तो यार मैं आने में लेट हो गई थी इसलिए मैं नहीं जा सकी। तो ये पालक शालक और ये सारे फ्रूट्स वगैरह और जितना भी ग्रॉसरी का सामान था ना, तकरीबन समझो ईद उल फितर के लिए भी, वो आज हमारा तो आ गया। अभी जो है मैंने आज मम्मा ने कहा कि आज मौसम्बी का जूस बना देते हैं, वैसे शेक्स होते हैं मतलब रियल फ्रूट जो जूसेस होते हैं ना वो हमारे इफ्तारी में ज़रूर होते हैं। पालक जो है वो सारी मम्मा ने काट दी है, और ये जो है पालक का ये लीव्स जो ख़राब होते हैं वो बचे हैं। पालक थोड़ी सी मैंने डाली थी पकोड़ों में क्योंकि बेसन के पकोड़े बनने थे, ओ सॉरी बेसन के पकोड़े, ये क्या बोल रही हूँ, मतलब आलू के पकोड़े जो बने थे उसके लिए। और इसके अलावा आज हमारी इफ्तारी में है चाट, जिसके लिए चॉप हो रहा है ये प्याज। और दूसरी चीज़, हाँ मैं आपको बता रही थी कि ये है किसके लिए, मैं ये चिकन ना पानी में डालने से ना इसका वो ख़त्म हो जाता है। मम्मा मैं तो चावलों के बगैर कुछ भी नहीं खा सकती। तो यहाँ पर डिस्कस हो रहा है कि आज रात के खाने में क्या बनाना है। मम्मा ने मुझे कहा कि चिकन बिरयानी ही बना दो, बिरयानी इज़ माय मोस्ट फेवरेट, और बिरयानी क्या राइस किसी भी किस्म के, स्पेशली इफ्तारी में तो मुझे वो ही खाने होते हैं यार, उसके अलावा रोटी सालन तो मेरे से बिल्कुल नहीं खाया जाता। तो मम्मा ने कहा कि कढ़ाई बना देते हैं, तो फिर मैंने मम्मा से कहा कि कढ़ाई का तो बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं है, कढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते बिल्कुल भी, बस बिरयानी होनी चाहिए ताकि मैं खाना खा लूँ पेट भर के। यार ये ट्रेन क्यों आ गई पीछे से, गैस इसकी आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर मार देना। अच्छा चाट आज हमारी गैस यार लकीली अच्छी आ रही थी, पूरे रमज़ान गैस ने तंग किया है ये मैं बता दूँ, मतलब गैस ने ऐसा तंग किया है कि हम जो है ना रोज़ के हिसाब से चाट नहीं बना सकते कि भाई छोले उबलने के में कुकर में भी इतना ज़्यादा टाइम लगता है, छोलों के चक्कर में फिर बाकी सब कुछ रह जाता है। आपने पानी ज़्यादा लिया, तो अभी हम बनाएंगे चाट। उसके लिए ना ये जर्दे का कलर घोला है, ये क्यों घोला है इसका मैं आपको आगे बताती हूँ, अभी देख देख। तो गाइस जर्दे के रंग में ना आलू डालते हैं, इससे जो टेम्पटिंग बाहर की सी चाट होती है ना, थोड़े से उसी में डाल दो, इसी में चाट में, ये में। मैं तो दो तीन ही डालती हूँ बस, इनका कलर निकल जाए बस। तो मैंने आलू बस जर्दे के कलर में डाले हैं, और उसके बाद निकाल कर इनको स्ट्रेनर में रख दिया है, तो पानी शानी जाए ना वो स्ट्रेनर से निकल जाए। वाओ बाहर की चाट ऐसी ही होती है। अब चनों में चला जाएगा प्याज, सारा ही डाल, टमाटर हरी मिर्च कट करके डालनी है, डाल दूँ वाली, सही है। बस अब चाट रेडी होगी, आखिर में हरी मिर्चें काट दी मैंने, और देखकर काटना कहीं साए साए ना हो जाए, ज्यादा हरी मिर्च हो जाए तो मसला खराब कर देती है मिर्ची की वजह। ओके सो गाइस की थोड़ा सा हम डाल देंगे चाट मसाला विदाउट चम्मच, मिक्स 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 मिक्स। अब चाट डन होगी ये, अब हम चल लेते हैं दही बड़ों की तरफ। दही बड़े मम्मा वह पहले नहीं बना रही थी, लेकिन मैं तो चाट, मेरे बहन भाई में से कोई भी नहीं खाता चाट, सिर्फ बाबा खाते हैं चाट, तो बाबा की वजह से चाट बनी थी। तो अब हम दही, मुझे दही बड़े बहुत पसंद हैं, भले थोड़े से बनाऊं लेकिन ना थोड़े से खाऊं सॉरी, लेकिन ना बनने ज़रूर चाहिए कि वो फिर मुझे अच्छे लगते हैं ना। तो अभी मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है। अच्छा वो सामने ना पकौड़ों का मसाला भी, जो आलूओं के पकौड़े उनका भी रखा हुआ था, अभी इसमें नमक मिर्च कुछ भी नहीं डाला, मैंने कहा मैं जस्ट इसको घोल देती हूँ, और इसको जो है फिर नमक मिर्च मम्मा जब ये बनाने लगेगी ना मलाई का पकोड़े, तो फिर नमक मिर्च भी सारा कुछ डाल देगी। अब सॉरी बड़ों का बैटर भी तैयार कर दे यार, देखो इतना थोड़े से बैटर में ही ना हमारा इतने सारे मतलब बड़े हो जाते हैं
कि वो हम जो है खा लेते हैं, और दही बड़ों में से फिर भी इतने सारे हमारे बचे ही रहते हैं क्योंकि हम ये वाली चीज़ें ज़रा कम ही खाते हैं। और ये पकौड़ों का मसाला भी मैंने रेडी कर दिया है। आलुओं के पकौड़ों के बैटर में मैंने पालक भी डाली थी क्योंकि पालक आलुओं के पकौड़ों में कभी कभी मज़े की लगती है, जब होती है ना पालक या मेथी इस तरह की चीज़ मज़े की लगती है। बस अब अफ्तारी का तो इतना काम हुआ है। अच्छा, आज मैंने बनानी थी बिरयानी, तो मैंने कहा बिरयानी स्टार्ट करने से पहले ना ज़रा मैं खुद को फ्रेश कर लूँ क्योंकि मैं हॉस्पिटल से वापस आ गई थी, आके मुंह खोल कर सो गई थी। फिर उसके बाद मैं जब जागी हूँ तो फिर मैंने डायरेक्ट जो आपको अभी सारा काम दिखाया है ना वो वाला काम, हमारे घर कितना सुंदर आ रहा है, नमाज पढ़ी है, सुंदरता की हद हो रही है। हाँ, फिर मैंने कहा बिरयानी बनाने से पहले ज़रा ख़ुद को थोड़ा सा फ्रेश कर लिया जाए, इस वजह से मैंने थोड़ा सा पहले ख़ुद को फ्रेश किया है, मुँह शू धोया है। और मैं वैसे टॉवल से नहीं ड्राई करती, कॉटन पैड होता है, जो मेरे व्लॉग्स रोज़ाना देखते हैं उनको पता होगा, लेकिन अब कॉटन पैड ग्रॉसरी में आया था पर मेरी मम्मा कहीं रख के भूल गई हैं। खैर, वो जब मिलेगा हम तब देख लेंगे, अभी तो मुझे जल्दी हो रही थी आकर मैंने। अच्छा, मैं दिन में ना 3 बार तो मुँह धोती हूँ, एक सुबह में, दूसरा जब मैं हॉस्पिटल से वापस आती हूँ, ठीक है, और धोना भी चाहिए जब आप बाहर से आते हो वरना स्किन खराब हो जाती है, और एक मैं रात सोने से पहले। मलाइका, तुम्हारा शुक्रिया टैलेंट दिखाने का, मम्मा तुमसे पहले प्याज काट कर स्टार्ट होगी। हाँ जी। अच्छा, बस अब बिरयानी के लिए प्याज टमाटर ये सब कुछ तो नहीं, टमाटर नहीं प्याज, मम्मा ने मलाइका को बोला था, इतनी बीबी जान ने लेट किया है कि मम्मा बेचारी ने फिर खुद ही काट दिया यार प्याज। खैर, अब जो है बड़े दही बड़े मम्मा ने बनाए और मम्मा ने देखे पहले हाथ से डालने शुरू किए, फिर मम्मा ने कहा हाथ से तो मैं कभी भी नहीं डाल सकती, फिर मम्मा ने जो जिस तरह से मम्मा डालती हैं एक हैक करती हैं कि क्या करती हैं, ठंडा पानी का ग्लास है ये, अब बड़े दही बड़े डाल रही हैं कढ़ाई में, फिर चम्मच को डिप किया है ठंडे पानी में। इससे क्या होता है कि आपने देखा जब दही बड़े कढ़ाई में मम्मा डाल रही थी ना तो वो चम्मच के साथ बैटर चिपका ही रहकर बैटर बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है, तो ठंडे पानी में अगर आप चम्मच को बार बार डिप करते रहोगे ना तो ऐसा होगा कि आपका बैटर चम्मच में ही चिपक कर ज़ाया नहीं होगा, सारा का सारा जो बैटर है ना वो इजीली उसके दही बड़े बन जाएंगे, यूटिलाइज हो जाएगा पकौड़ दही बड़ों में। सो अब दही बड़े भी रेडी हो गए। अच्छा, हम लोगों का बेसन भी नया आ गया और इसका कलर इतना प्यारा येलो येलो सा है कि भाई मैंने तो भूल ही गई थी। बस मलाइका के काम देखो, इसकी जगह मुझे ही प्याज काटना पड़ा है, जिस तरह जिस हिसाब से ये नाचते हुए प्याज काट रही है ना, तो भाई ये तो कल में ही बननी है बिरयानी, कल भी बल्कि नहीं बन पाएगी। मैंने आपको बताया था कि इस बार हम जो बैटर लेकर, सॉरी बैटर कह रही हूँ, बेसन लेकर आए थे ना, वो उस बेसन में थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गई थी कि उस बेसन में यार क्रीच आ गई थी ना, तो वो बहुत हमारा पकोड़ों का मज़ा और दही बड़ों का मज़ा ख़राब हुआ। और हम इतने दिनों से मलाइका को इल्ज़ाम दे रहे थे कि तुम पकोड़े जला देती हो, तुम बड़े जला देती हो, तुम काले कर देती हो, नहीं यार वो उस बैटर में ही खराबी की वजह से जो है ना पकोड़ों में कालक का मसला था, मतलब पकोड़े जो है ना वो काले हो जाते थे। तो अब जब नया बैटर आया ना तो यार इतनी बेसन आया तो इतनी आसानी होगी, इतने फ्रेश फ्रेश कलर, आंखों को सुकून मिल गया देखकर। खैर, अच्छा ये जो है देख लें आप क्या कारनामा हुआ है, ग्रॉसरी का वो जो शापर था ये मैंने फिर वॉश बेसन में ला कर रखा है, इसमें जो नील था वो खुला हुआ था, वो सारा नीचे गिर गया, फर्श भी इतना ख़राब हुआ था। खैर, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि अगर आप में से किसी के भी दांत में दर्द होता है या ठंडा गर्म महसूस होता है ना, तो फिर आप ना अपना जो टूथपेस्ट है ना वो सेंसोडाइन रख लो। ये अभी मैंने अपनी वीडियो में देखा ना तो मुझे ख्याल आया, मैंने कहा मैं आपसे ये बात शेयर करूँ, ठंडा गर्म अगर महसूस होता है या कुछ भी मीठा खाने के बाद आपके दांत में दर्द होता है, क्योंकि मेरे भी ना ये चीज़ बीच में बहुत शुरू हो गई थी, मेरे दांत में दर्द होने लग गया था मीठा खाने के बाद, तो फिर ना मुझे मेरी बहन ने बताया कि तुम ना सेंसोडाइन यूज़ किया करो टूथपेस्ट, उससे तुम्हारे दांत में दर्द नहीं होगा। फिर मैंने क्या किया, सेंसोडाइन को ही यूज़ करना शुरू कर दिया और उससे मुझे इतनी आसानी हुई कि अब मेरे ना दांत में दर्द नहीं होता। अगर आप नहीं करोगे ना, आहिस्ता आहिस्ता आपके दांत का दर्द फिर इतना बढ़ता चला जाएगा कि फिर थोड़ा सा ही मीठा खाओगे और हमेशा इतनी देर तक दर्द रहेगा। इधर से ही एहतियात कर लो, सेंसोडाइन यूज़ करना शुरू कर दो तो आप खुद फील करोगे कि आपका ये वाला मसला सॉर्ट आउट हो गया। खैर, अब जो है मैंने चावल भी धो दिए हैं, बिरयानी का मसाला आपको मैंने दिखाया रेडी, जानवरों के आगे डालने हैं यार, अब सिर्फ और सिर्फ फ्रूट कटना रह गया है, और फ्रूट ये वाला जो सारा सामान था ये हम फेंकते नहीं है डस्टबिन में, इसलिए ये एंड तक रखा रहता है, फिर अफ्तारी के बाद ना ये मेरा भाई जानवरों के आगे डाल कर आता है। तो मतलब अगर कुछ भी इस तरह की रिस्क की चीज़ हो ना, अगर आप अपने घर के बाहर ऐसे जानवरों को प्रोवाइड कर सकते हैं ना तो फिर वो किया करें, क्योंकि इससे उनकी भी दुआ लगती है। खैर, मैंने फ्रूट काट दिया, आजकल जो है ये गर्मे का छोटा भाई जो है ना ये बड़ा इन हुआ हुआ है, मीठा भी बहुत होता है, एंड आई लव दिस, आई रियली लव दिस,
खैर अब जो है मैं बिरयानी को दम दे रही हूँ। बिरयानी का यार कोरमे का कलर इतना प्यारा आया था, हालांकि शान वाले मसाले इस बार मम्मा गई थी तो सुपरमार्केट में बोल रही थी कि पता नहीं ख़त्म हो गए थे या अवेलेबल थे, मतलब मिले नहीं ना, वैसे हम वो यूज़ करते हैं, लेकिन खैर ये जो नया भी लाई है मम्मा, तो यार कोरमे का कलर तो लश आया हुआ है, आप लोग देखो मतलब मज़े का है। और बस साथ में पकौड़े भी फ्राई हो रहे हैं, तो मैंने मलाइका को कहा यार इतनी उसकी मिन्नतें तर ले कि पैर पकड़े कि तुम मेरी वीडियो बना दो, तो फिर उसने मुझे कहा साथ साथ पकौड़े देखना, मेरे पकौड़े ना जल जाए। खैर जर्दे का रंग मैंने इसमें डाला है बिरयानी में, बिरयानी को दे दिया मैंने दम पर, और तकरीबन अफ्तारी में रह गए 15 मिनट, अफ्तारी से 15 मिनट पहले आज मेरी बिरयानी रेडी हुई थी। आज मैंने खाना भी देर से खाया था, अफ्तारी में नहीं खाया था। खैर चैनल पर जो भी सब्सक्राइब है, अभी ही मैं बोल रही हूँ सब्सक्राइब कर लो, ये फ्री है ठीक है, पैसे नहीं लगते, अभी ही कर लो सब्सक्राइब चलो। और ये हमारी इफ्तारी भी रेडी हो चुकी है, ये है दही फुलकियों की चाट, ये मेरे चाचू वालों के घर से आई थी, ओह माय गॉड। और दही बड़ों का कढ़ाई का क्या हशर किया है मेरी मम्मा ने, निकाल कर ना अभी दही बड़े किसी बोल में बाहर भिजवाए हैं, तो यार ये वाला हशर हो गया, लेकिन खैर है इट्स ओके। अब जो है हमारा रोज़ा खुल गया और ये फुलकियाँ इतने मज़े की लग रही थी यार, इस बार मैं मार्केट सुपर मार्केट से फुलकियाँ लाना भूल गई, मुझे इतना अफसोस हो रहा था, लेकिन खैर है अब मैं जा कर ले आऊँगी इंशाल्लाह। और ये है रात का टाइम ठीक है, मैंने जो है सैंडविच बनाना था बाबा के लिए, तो आज का जो है ना बस आज का ये मैंने आज का व्लॉग ही इफ्तारी से स्टार्ट किया था और रात पर एंड किया है। आपको पता है रोज़ों में तो बंदे के पास अपना जो काम होता है इधर उधर आने जाने के अलावा, इंसान के पास घर में सिर्फ यही काम होता है खाना पीना बस, मतलब और जो लोग जैसे सफाई और डेकोरेशन को पसंद करते हैं उनके पास वो वाला काम होता है, मुझे डेकोरेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है यार, तो मैं यही वाले काम करती हूँ। खैर यहाँ पर जो है मेरा सैंडविच रेडी हो गया है, ये मैं बाबा के लिए बना रही थी सैंडविच मशीन में, मैंने इस पर सिर्फ शामी कबाब रखकर और वो डाला है अंदर प्याज श्याज, और इसको बंद करके अभी मैं इसको लगा दूंगी। और यहाँ पर मैं सोच रही हूँ मैं व्लॉग का भी एंड कर दूँ, इसके बाद मैंने सोना ही था। होप सो आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, ये देखें 10 10 10 ये भी रेडी हो चुका है। चैनल पर जो भी नए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस रमज़ान में मुझे दुआओं में याद रखना प्लीज़। एक दूसरे के लिए जब हम दुआ करते हैं ना तो हमारी लाइफ भी आसान होती है। अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।